सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा हमारा टॉपिक है बहुव्रीहि समास। चौथा नंबर का समास हमारा बहुव्रीहि समास। सूत्र है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि यानी कि जिस समास में प्रायेण यानी कि मुख्य रूप से अन्य पदार्थ प्रधान हो, यानी कि जिस समास में किसी अन्य पदार्थ यानी पद के अर्थ की प्रधानता होती हो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो, जिस समास में जब अन्य पदार्थ यानी पद के अर्थ की प्रधानता होती है तब वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात इस समास में न तो पूर्व पदार्थ की यानी कि न तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है और न उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अपितु दोनों पदार्थ यानी पहला और दूसरा पूर्व पद और उत्तर पद, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। अपितु दोनों पदार्थ मिलकर के किसी अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के किसके रूप में होता है? विशेषण के रूप में होता है। यथा जैसे देखो, पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम यस्य स। अब बेटा देखो, ये तो पीतम पहला पद हो गया और अम्बरम ये कौन सा पद हो गया? दूसरा पद हो गया। ठीक है, पीतम का अर्थ हो गया पीला और अम्बरम यानी वस्त्र। ठीक है ना। अब देखो बेटा, दोनों पद न तो पहले पद की प्रधानता हो रही है न दूसरे पद की, जबकि यस्य स यानी कि पीले हैं वस्त्र, जिसके पीले वस्त्र से किसकी प्रधानता हो रही है? स स हमारा सर्वनाम शब्द है और किसके लिए प्रयुक्त है? पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त है। किसके? अर्थात विष्णु। किसके लिए? विष्णु के लिए। और समस्त पद हो जाएगा पीताम्बर है। समस्त पद क्या हो जाएगा? पीताम्बर है। पीताम्बर है, इसका समास विग्रह हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य स, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके कौन? विष्णु। तो यहाँ पर स शब्द पुल्लिंग शब्द है, सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? विष्णु के लिए। यानी कि ना इस पीले केवल पीले से, न केवल इस वस्त्र से, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता न होकर के अन्य स यानी वह पुल्लिंग किसके लिए? विष्णु अर्थ की क्या हुई है? प्रधानता हुई है। इसलिए ये क्या कहलाया? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहलाए। अब बेटा देखो, बहुव्रीहि समास के निम्न भेद है। जिस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास के भेद बताए, अलग अलग आपको भेद बना करके, ठीक है ना, वरना एक साथ उदाहरण वही होते हैं लेकिन किस प्रकार से नन तत्पुरुष में कौन सा आता है, प्रादि तत्पुरुष में, जिस प्रकार से आपको वो क्लियर किया इस प्रकार से अब ये बहुव्रीहि भी होगा। देखो, बहुव्रीहि समास के निम्न भेद हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योगे बहुव्रीहि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के उदाहरण आते हैं और समानाधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? यदि विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। क्या है कि जब विग्रह करेंगे तो उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में कैसे विभक्ति होगी? समान विभक्ति होती है, तब वह कौन सा समास कहलाएगा? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। यथा जैसे देखो, समस्त पद समास विग्रह और यहाँ पर यानी किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो रही है वो, तो समस्त पद है हमारा द्विपाद है। समस्त पद क्या है? द्विपाद। द्विपाद यानी कि दो है पैर जिसके, तो समास विग्रह हो जाएगा द्वौ पादौ यस्य स। दो है पैर जिसके, कौन है वह? जनय यानी व्यक्ति। अनर्थ क्या प्रदान हो रहा है? जनय यानी कि कोई व्यक्ति। ठीक है, दो है पैर जिसके अर्थात जनय यानी व्यक्ति। पतित पत्रय, पतित पत्रय, पतित का अर्थ हो, ये पहला पद पतित यानी गिर गया और पत्र यानी कि पत्ता। ठीक है, दोनों पद हो गए। अब इन दोनों पद से देखो किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो रही है। पतित पत्रय यानी कि गिर गया है पत्ता जिससे वह क्या है? तो देखो, पतितम
पतितं पत्रं यस्मात् से, गिर गया है पत्ता जिससे। अब बेटा देखो, आप ये कहोगे कि दो हैं पैर जिसके, यहाँ पर तो यस्य का प्रयोग किया, यहाँ पर यस्मात् का, ये आपको पहले ही मालूम है, कारक पढ़े हुए हैं आपको, क्योंकि जहाँ से जो वस्तु जो चीज़ अलग हो जाती है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और उसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी व्यक्ति का। इसलिए पतितम पत्रम यानी गिर गया है पत्ता यस्मात् जिससे, वह क्या है, वृक्ष है, ठीक है ना। पत्ता किससे गिरता है, वृक्ष से, ठीक है, या फिर ये कहें तरु, वृक्ष या फिर तरु, ठीक है, दोनों सही है, वृक्ष या तरु। अगला उदाहरण है हमारा पीताम्बरय, पीताम्बरय, जैसा कि ये पहले आपको उदाहरण मिल गया है, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके वह, तो क्या हो जाएगा, पीतम अम्बरम यस्य से, कौन है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण है शुभानना, शुभानना यानी शुभ आनन है जिसका वह, शुभ आनन है जिसका वह, तो क्या हो जाएगा, शुभम आनना, शुभम आननम यस्या, शुभम आननम यस्या सा, वह कौन है, स्त्री, शुभ है आनंद जिसका वह कौन है, सा यानी वह कौन, स्त्री, ठीक है। उसके बाद है चतुर्मुख, चतुर्मुख है यानी कि चार है मुख जिसके, किसके हैं चार मुख, भगवान ब्रह्मा जी के, तो क्या हो जाएगा, चत्वारी, चत्वारी मुखानी, चत्वारी मुखानी यस्य से ब्रह्मा, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा किसके, ब्रह्मा जी के, ठीक है बेटा। इसके बाद और उदाहरण है, समस्त पद समास विग्रह, और अन्य अर्थ, ठीक है। अगला उदाहरण है दत्त भोजनय, दत्त भोजनय, दत्त भोजनय यानी कि दे दिया है भोजन जिसके लिए, वह कौन, भिक्षुक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा दत्तय, दत्तम भोजनम यस्मै स, और किसके लिए दे दिया है, भिक्षुक है, भिक्षुक के लिए, भिक्षुक है, भिक्षुक के लिए, ठीक है। दत्त भोजनय समस्त पद है, यानी कि दे दिया है भोजन जिसके लिए, जिसके लिए यानी किसी को कोई भी वस्तु दी जाती है, तो उसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी व्यक्ति का, और चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में यत शब्द में किसका प्रयोग हो जाएगा, यानी कि चतुर्थी एक वचन में पुल्लिंग के लिए यस्मै शब्द आ जाएगा, यानी दे दिया है भोजन यस्मै जिसके लिए, स यानी वह, किसके लिए, भिक्षु का, यानी अन्य अर्थ के प्रधानता हो रही है, किसके लिए भोजन दे दिया है, भिक्षु के लिए, ठीक है, इसलिए बहुव्रीहि समास कहलाया, ठीक है। अगला उदाहरण है पीत दुग्ध, पीत दुग्धम,
पीत दुग्धम, पीत दुग्ध है, सॉरी पीत दुग्ध है, पीतम दुग्धम येन से, पीतम दुग्धम येन से, यानी कि पी लिया है दूध जिसने, वह कौन है, बाला है यानी बच्चा, ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण है दशानने, दशानने, ठीक है, दशानने, ये समस्त पद है। दस पहला पद हो गया और आनन दूसरा पद हो गया। दस यानी दस, आनन यानी मुख, दस है मुख जिसके, ठीक है, दस है सिर जिसके। तो यहाँ पर ना पहले पद की प्रधानता हो रही और ना दूसरे, यानी कि इन दोनों पद से किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होगी। यानी दस है मुख जिसके, समास विग्रह क्या हो जाएगा, दस है मुख जिसके। तो संस्कृत में विग्रह किस प्रकार से कर देंगे, दस आननानी यस्य सः, और क्या आ जाएगा, रावण है, किसके, रावण के, ठीक है। इस प्रकार से बेटा ये हमारा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल आपको हम व्याधिकरण बहुव्रीहि समास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।